वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही के चलते यूपी सरकार द्वारा लगाए गए वृक्षों को वन विभाग व लोक निर्माण विभाग की मिलीभगत से कई दिनों से बेलाताल अजनर सड़क के किनारे हजारों पौधे जल रहे हैं। कई दिनों से सड़क किनारे जंगल में आग लगी है, जिसे बुझाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। बेलाताल अजनर सड़क के किनारे जंगल में लगी इस आग को बुझाने के लिए वन विभाग द्वारा कोई कोशिश नहीं की जा रही। कई दिनों से लगी आग को बुझाने के लिए इंतजाम नहीं किए जाने से जहां सैकड़ों पेड़ झुलस गए, तो वही पौधों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। जब इस प्रकरण में वन रेंज अधिकारी अजनर से वार्ता के लिए मोबाइल फोन लगाया तो फोन आउट ऑफ रेंज बताया गया। महोबा से लाल मोहम्मद की रिपोर्ट। शराब के नशे में धुत हेड कांस्टेबल ओपी राय का हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब के नशे में धुत होकर सिपाही ने कॉलोनी में घुसकर दी लोगों को गंदी गालियां। लोगों के विरोध करने पर सिपाही ओपी राय ने तानी राइफल। शराब के नशे में धुत सिपाही ने की राइफल लोड। शराबी सिपाही के राइफल लोड करते ही लोगों में मची भगदड़। ईवीएम सुरक्षा में तैनात है सिपाही ओपी राय। ईवीएम सुरक्षा से ड्यूटी समाप्त कर लौट रहा था सिपाही ओपी राय। घंटों चला शराबी का ड्रामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबी सिपाही से राइफल को छीना। सिटी कोतवाली क्षेत्र के लज्जापुरी का मामला। हापुड़ से मुनेंद्र संधू की रिपोर्ट। खाना बनाते समय लगी भीषण आग, आग की चपेट में आए गांव के 7 घर बुरी तरह जल गए। आग की चपेट में लाखों की नकदी सहित अनाज व जेवरात खाक हुए। मौके पर फायर ब्रिगेड व हरगांव पुलिस मौजूद। दमकल व ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लहरपुर तहसील के अगुआपुर गांव की घटना है। सीतापुर से रमेश सिंह की रिपोर्ट। गांव में कोटे की सूचना पर मशीन लगने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग काफी नाराज भी नजर आ रहे हैं। इतनी कड़ी धूप में लंबी लाइन लगाने पर भी गल्ला नहीं मिल पा रहा। इसकी मेन वजह है मशीन में कभी मुखिया के फिंगरप्रिंट नहीं आते तो कभी किसी बच्चे के प्रिंट नहीं आते, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कोटे में मशीन रखी गई है, इससे आप कितना खुश है? बिल्कुल ना खुश है। ना खुश कैसे है? अरे साहब, हमारी बहन बेटियां सब जा रहे हैं कोटे में वहाँ पर। ये ना खुश होने की बात है कि खुश होने की बात है? तो क्या चाह रहे हैं आप? इसको हटना चाहिए? हटना चाहिए। पहले जो कोटा मिलता था वो कैसे था? सही था। तो ज्यादातर मशीन से दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, मशीन से बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? साहब, जैसे बढ़ता था पहले वैसे ही बढ़ना चाहिए। मशीन हटनी चाहिए? मशीन हटना चाहिए, क्योंकि जब मुखिया के फिंगरप्रिंट नहीं आते तो लोगों को अपनी जवान बेटियां और नई नवेली दुल्हनों को मजबूरी में कोटे की दुकान पर लाना पड़ रहा है। वजह यह है कि मशीन फिंगरप्रिंट नहीं ले पा रही। घंटों लोग लाइन में लगे रहते हैं, फिर भी इनको गल्ला नहीं मिल पा रहा। जानकारी के अनुसार गल्ला बटन का टाइम 3 दिन हुआ करता था, अब 5 से 6 दिन होने जा रहे हैं। गल्ला अभी तक बटने का नाम नहीं ले रहा। कभी मशीन से नेटवर्क चले जाते हैं तो कभी फिंगरप्रिंट नहीं आते। इस बार गल्ला लेने मात्र 50% लोग ही गल्ला लेने पहुंचे और 50% गल्ला कोटेदार के पास इस बार बचने वाला है। तो ये कोटे पे जो मशीन आई है, इससे राहत नहीं नजर आई बल्कि परेशानी नजर आई। परेशानी ये नजर आई है कि पहले कार्ड जो था महिला के नाम से पर्ची थी, उस पर्ची को लेकर घर का कोई भी सदस्य जाता और गल्ला मिल जाता था। अब इस मशीन में ये दिक्कत आई है कि वो महिला आए, अपना अंगूठा लगाए, उसके निशान अगर नहीं आते तो कोटेदार कहता है कि तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। अब वो किसी बच्ची को लाए, अब बच्ची कोई छोटी है तो कोई बात नहीं, छोटे बच्चे का मान नहीं है। अब वहाँ पर जवान बेटी को लेके जाए या जवान बहू को लेके जाए, तो मेरे समझ से ये बाहर बात है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे कोई भी हिंदू भाई की बहन बेटी कोटे पे जाए और या मुसलमान भाई की बहन बेटी कोटे पे जाए। ये बेपर्दगी हो गई और इससे दिक्कत ज़्यादा आई है। सीधी सी बात है कि इस मशीन से आराम नहीं है, बल्कि हम इसका बहिष्कार करते हैं, ये मशीन नहीं होना चाहिए। इससे लोगों में काफी गुस्सा भी है और लोग चाहते हैं मशीन को हटाया जाए। रमजान में लोग रोजा रखकर लाइन में लगे हैं, फिर भी उनको गल्ला नहीं मिल पा रहा। नवाबगंज से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। लोगों को सही जानकारी नहीं है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो हम लोगों से संपर्क करना चाहिए लोगों को। जैसे कि मेरी जानकारी में शासन आदेश भी है कि 7 साल से अधिक उम्र का परिवार से कोई भी सदस्य अगर चला जाए और उसके फिंगर रिपोर्ट्स अगर मिलती है वहाँ पे, तो कोई भी जो है वहाँ से गल्ला ला सकता है। तो अब घर में नई नवेली बहू के साथ उसका पति भी होगा, मान लो पति जा सकता है, पति का देवर जा सकता है, मान लो एक फैमिली में अगर ये 5 या 7 लोग शामिल हैं तो उन 5-7 लोगों में कोई भी जा सकता है।
उसके लिए तो हम लोग अधिकृत नहीं है, शासन अधिकृत है, हमारे जिलाधिकारी महोदय अधिकृत हैं, उप जिलाधिकारी महोदय अधिकृत हैं, तो शासन की जो मंशा होगी आगे जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे उस पर कार्य किए जाएंगे। बिल्कुल, जो हमारे एक मार्गदर्शन देने का काम है हम उन्हें मार्गदर्शन देंगे, लोगों को सही जानकारी बताएंगे। कंपाइन के कटे खेतों में लगी आग से लाखों का नुकसान व 3 गांव हुए आग की चपेट में, 2 दर्जन से अधिक लोग आग में आकर झुलसे। हरदोई लोनार कोतवाली क्षेत्र के बरवन व रामापुर गांव के बीच में किसी किसान ने कंपाइन से कटे खेत में कूड़ा जलाने को लेकर आग लगा दी, तभी तेज हवा के झोंके ने आग को विकराल रूप दे दिया। आग इतनी तेज हुई कि आसपास लगे भूसे के ताल व 20 लिस्टर इंजन बम की तरह दबने लगे और दमकल की गाड़ी जाकर वापस आ गई। आसपास हजारों की संख्या में लोग आग बुझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। हरदोई से रवि श्रीवास्तव की रिपोर्ट।